यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल टांडा के रेजिडेंट डॉक्टर्स 15 फरवरी को सामूहिक अवकाश पर जाएंगे। सोमवार को रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन टांडा की आपात बैठक का इस्तेमाल कर और बैठक बुलाकर यह फैसला लिया गया। एसोसिएशन ने निर्णय लिया कि वो लोग 12 से यानी 12 फरवरी से यानी आज से 14 फरवरी तक पेंडाउन हड़ताल पर रहेंगे और इस दौरान रेजिडेंट डॉक्टर सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान अस्पताल की आपातकालीन सेवाओं को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। आरडीए टांडा के अध्यक्ष डॉक्टर अमित राणा और महासचिव डॉक्टर अभिनव राणा ने बताया कि टीएमसी में रेजिडेंट डॉक्टर्स के स्टाइफंड का भुगतान 3 महीने से नहीं किया गया है, जबकि आईजीएमसी में इसका भुगतान कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सभी डॉक्टर्स सामान्य परिवारों से ही आते हैं, कोई भी 5 लाख रुपए की बैंक गारंटी नहीं दे सकता। साथ ही 40 से 60 लाख रुपए का बॉन्ड भरने के लिए डॉक्टर्स को 2 गारंटर्स की आवश्यकता पड़ती है, इसमें उनकी कोई सहायता नहीं करता। ऐसे में डॉक्टर्स को बॉन्ड भरने में भी भारी मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो बैंक गारंटी खत्म करने की मांग को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने मोर्चा खोला हुआ है और 12 से 14 फरवरी तक वो पैन डाउन हड़ताल पर हैं, लेकिन इस दौरान उन्होंने कहा है कि आपातकालीन सेवाओं को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा।